Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is second lecture of first chapter of chemistry, structure of atom. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education is starting online program and online plus classroom program. You can register for any of these. And after registration, you will be provided with notes and worksheet of respective topics. इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बताना चाहता हूँ कि आपको लेक्चर होने के बाद लेक्चर पीडीएफ जिसमें हैंड रिटन नोट्स थे वो भी मिल जाएंगे. एट द सेम टाइम आपको चैप्टर के पीडीएफ एंड एमसीक्यू वर्कशीट भी मिल जाएगी. इस वजह से आपको अलग से बुक्स या एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट या दूसरी कोई एमसीक्यू की बुक्स भी परचेज करने की जरूरत नहीं है. And there will be weekly online test and quiz, and we are available for online guidance and doubt session on video call as well. We focus on concept clearing and to the point explanation for easy remembrance of the student. And इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए so आप given contact number पे call कर सकते हो. So हम start करते हैं आज का topic. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एंड एनोड रे के बारे में हमने देखा था. आज हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 एंड एक न्यूक्लियर रिएक्शन इन्होंने परफॉर्म की थी, उसके बेसिस पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. सो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेरिलियम की थीन शीट यहाँ पर ली थी एंड इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरिलियम की थीन शीट यहाँ पे रखी हुई है एंड उसके ऊपर बेरिलियम की बम्बार्डिंग हो रही है. देन सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उन्होंने जेम्स चैडविक ने इसे लेड बॉक्स के अंदर रखा था. लेड बॉक्स ही क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंस मेटल है, इतना डेंस कि ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इन्हें इनसे लेड में से आर पार नहीं जा सकती. देन उसके बाद इसने क्या, इसीलिए लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा एंड इसके सामने एक अपर्चर रखा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि अल्फा पार्टिकल बाहर आए. देन अल्फा पार्टिकल जैसे बेरिलियम को हिट करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि बम्बार्डिंग हो रही है बेरिलियम शीट पे, किसकी, अल्फा पार्टिकल की, जिससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स यहां से एमिट हो रहे हैं. देन इलेक्ट्रिकली इनिशियली एक्सपेरिमेंट में पैराफिन नहीं रखा हुआ था, पैराफिन की शीट यहां पर नहीं थी, डायरेक्ट डिटेक्टर था, बट डिटेक्टर पे कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, डिटेक्टर ये पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डिटेक्टर जो है वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन. सो इन्होंने क्या किया, फिर इसके सामने रख दी पैराफिन शीट. पैराफिन शीट ही क्यों, क्योंकि इट इज रिच इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मींस प्रोटॉन, इट इज रिच इन प्रोटॉन, इसलिए इसने जेम्स चैडविक जो है, इन्होंने पैराफिन की शीट यहां पर रखी. सो जैसे ही देखा गया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उससे अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं एंड अल्फा पार्टिकल बेरिलियम से हिट होकर न्यूट्रल पार्टिकल यहां से एमिट करवा रहे हैं. सो जो न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पैराफिन वैक्स को हीट करेंगे, पैराफिन शीट को हीट करेंगे एंड ये पैराफिन शीट में से क्या होगा कि जैसे ही न्यूट्रल पार्टिकल इसे हीट करेंगे, इसमें से प्रोटॉन इजेक्ट होंगे. इसमें से क्या इजेक्ट होंगे, प्रोटॉन. आप देख सकते हैं एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन, देन एमिशन ऑफ प्रोटॉन. सो प्रोटॉन यहां से एमिट होंगे एंड डिटेक्टर में प्रोटॉन डिटेक्ट होंगे. सो इनिशियली डिटेक्टर, जब पैराफिन वैक्स नहीं था यहां पर, तो डिटेक्टर में कोई रीडिंग नहीं थी, लेकिन जब पैराफिन बीच में रख दिया गया तो डिटेक्टर में रीडिंग डिटेक्ट होने लगी, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है दे आर स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, इसलिए ये प्रोटॉन को रिप्लेस कर पा रहे हैं. पैराफिन में से प्रोटॉन को रिप्लेस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन स्लाइटली हेवियर होता है प्रोटॉन से. सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई थी. बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4 एंड मास नंबर है 9, जब अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, सो अल्फा पार्टिकल की जब इसके ऊपर बम्बार्डिंग की गई, सो बेरिलियम ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्बन में एंड एक न्यूट्रॉन यहां से रिलीज होता है.
सो ये स्पेसिफिक रिएक्शन यहां पर हुई। या फिर बोरॉन के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया बाद में, बट एक्चुअल में जेम्स चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, बट बोरॉन के साथ भी न्यूट्रॉन फॉर्म हो सकता है। बोरॉन पे भी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करने पे ये ट्रांसफॉर्म होता है नाइट्रोजन में, एंड इससे एक न्यूट्रॉन एमिट होता है। सो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग होने से बेरिलियम किस में ट्रांसफॉर्म होता है, कार्बन में, एंड इससे एक न्यूट्रॉन एमिट होता है। सो जो डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई गई है हम देखते हैं। सो ये न्यूट्रल नेचर का होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इट इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। इसका मास कितना होता है, अप्रोक्स 1 एटॉमिक मास यूनिट। स्पेसिफिक चार्ज इसका 0 है। डेंसिटी नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.5 × 10⁻¹⁴ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 मोल न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है, 1 मोल मीन्स कितना न्यूट्रॉन हो जाता है, इज इक्विवेलेंट टू 1.008 ग्राम। इट इज द हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। एटम में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसमें से हेवीएस्ट न्यूट्रॉन होता है, एंड इट इज अनस्टेबल। इसका डिके होके प्रोटॉन बन जाता है, सो इट इज अनस्टेबल पार्टिकल। देन न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन और प्रोटियम। रिमेंबर सभी में न्यूट्रॉन पाया जाता है, बट न्यूट्रॉन किस में नहीं पाया जाता, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसके अलावा बाकी सभी एटम्स में, सभी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है। सो यहां पर कंपैरिजन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई, प्रोटॉन का है पी, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया जाता है। इनके मासेस कंपेयर किए गए हैं, रिलेटिव मास, जैसे प्रोटॉन का मास यूनिटी कंसीडर किया जाता है, न्यूट्रॉन का यूनिटी कंसीडर किया जाता है, बट इलेक्ट्रॉन का 1/1837 कंसीडर किया जाता है। देन चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, एग्जैक्ट चार्ज अगर देखा जाए सो इट इज −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलोम। कूलोम ऐसा यूनिट है। प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, एंड न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। देन स्पेसिफिक चार्जेस यहां पर दिए हुए हैं। सो हमें याद रखना है इनके सिंबल क्या होते हैं, देन इनका मास कितना है, एंड इनके चार्जेस। सो स्पेसिफिक चार्ज में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन टू द मास रेशो, इलेक्ट्रॉन टू द मास रेशो दिया हुआ है यहां पर। इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है एंड प्रोटॉन का भी दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज टू द मास रेशो यहां पर ये गिवन है। E by m इज चार्ज टू द मास रेशो। अब अदर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूक्लियस में दूसरे पार्टिकल भी पाए जाते हैं, इनके बारे में जस्ट आपको थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये स्लाइड इसमें ऐड की हुई है। जैसे पॉजिट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रिनो पाया जाता है, एंटी प्रोटॉन, देन मेजॉन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो ये कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। देन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया था, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चला था। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, हम डिटेल में देखते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस बाय एटोमाइजर। आप यहां पे देख सकते हो ये क्या है, इट इज एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या कर रहा है, ऑयल जो है उसके फाइन ड्रॉपलेट्स प्रिपेयर कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। अब यहां पर दो प्लेट लगी हुई है, पैरेलल प्लेट, अपर वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बॉटम पे दिया हुआ है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। सो टू प्लेट्स लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ दिया हुआ है, इससे कनेक्टेड है पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। देन यहाँ पे सोर्स ऑफ एक्सरे भी रखा हुआ है, एंड यहां पर है दिस इज आईपीस, टेलीस्कोप यहां पे दिया हुआ है। एटोमाइजर से जब ऑयल नीचे आ रहा है तो बीच में यहां पे एक फाइन होल, एक होल है जिससे
फाइन ड्रॉपलेट जो है वो नीचे जाएंगे। एंड इन्होंने क्या किया कि टेलीस्कोप की हेल्प से, जिसमें माइक्रोमीटर आईपीस लगा हुआ है, इन्होंने रेट ऑफ फॉल ऑफ ड्रॉपलेट मेजर किया। देन इस एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक्सरे का सोर्स भी रखा हुआ है, जिससे कि जो अंदर में गैस प्रेजेंट है वो आयोनाइज हो जाएंगी, एंड आयोनाइज गैस जो है वो उससे कोलिजन होने के वजह से ऑयल ड्रॉपलेट्स पे नेगेटिव चार्ज आने लगेंगे। सो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड डिफरेंट टाइप के चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि आयोनाइज होने के वजह से। तो उस वजह से क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स रिटार्ड, उनके मोशन का रिटार्डेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा, या वो स्टेशनरी हो जाएंगे, वो डिपेंड करेगा चार्ज ऑन ड्रॉपलेट्स के ऊपर। बट इन केस उस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, सो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप है ये नेगेटिव प्लेट की वजह से रिपल्शन फील करेगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, बट रिपल्शन फोर्स इसे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, एंड एक पॉइंट पे ये स्टेशनरी हो जाएगा। सो इसको स्टडी करते हुए मिलिकन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑयल ड्रॉप के ऊपर, सो अब नेगेटिव चार्ज डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन उससे अटैच हुए, सो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी एन टाइम्स ई। एक अगर एक ही इलेक्ट्रॉन उस पे गया तो एक 1e चार्ज आ जाएगा, सो हमने ne कंसीडर किया। देन उसके बाद इस पे जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है, विच इज mg, ये एक्ट होगा, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है q इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो एक्ट हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, क्यू इंटू ई। क्यू क्या रहेगा, चार्ज, और ई रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हम धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देन ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तब ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी हो जाएगा यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं दोनों फोर्स बैलेंस होने की वजह से ये जो ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा, जो हम आईपीस से देख सकते हैं। देन ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दोनों को इक्वेट किया गया जब स्टेशनरी हो रहा है, कि हम कह सकते हैं mg इज इक्वल टू क्यू ई, एंड इससे q की वैल्यू फाइंड आउट की गई, q इज इक्वल टू mg बाय ई। सो ये रिलेशन स्टडी करते हुए यहां पर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की गई। इन्होंने क्या देखा कि मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया, मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करने की वजह से क्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही थी, बट वो वैल्यू किसी एक वैल्यू की मल्टीपल थी, तो जो लोवेस्ट वैल्यू आई, विच इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 पावर -19, इसको कंसीडर किया गया वैल्यू ऑफ चार्ज। दिस इज लोवेस्ट वैल्यू। सपोज मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो 3 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब एक बार रीडिंग आ रही है 6, एक बार आ रही है 9, एक बार 15, एंड लोवेस्ट वैल्यू आ रही है 3, सो इसलिए हम कहेंगे कि सारी वैल्यूज 3 के मल्टीपल है, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। तो वैसे ही चार्ज की जो वैल्यू आई है, इट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19। देन ऑलरेडी चार्ज टू द मास रेशियो गिवन था, तो इसके वजह से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मास फाइंड आउट किया गया। तो इस तरीके से मिलिकेंस ऑयल ड्रॉप मेथड से चार्ज भी फाइंड आउट किया गया एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट किया गया। देन नेक्स्ट टॉपिक है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे जे थॉमसन, इन्होंने 1898 में एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट देखे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, एंड इन्होंने बताया कि जो एटम का रेडियस है, एटम स्फेरिकल शेप का होता है और उसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10 पावर -10 मीटर। अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ एटम इज 10 पावर -10 मीटर, विच इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम नॉट, इतना होता है एटम का रेडियस। और इन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया, जो अरेंजमेंट है उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटरमेलन अगर है तो जो रेड पोर्शन आप देख रहे हो, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, एंड जो आप सीड्स देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से इसे बताया गया। या प्लम पुडिंग मॉडल के साथ भी इसे कंपेयर किया गया, तो आप यहाँ पे जो केक का पोर्शन देख सकते हो, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, एंड जो उसके ऊपर रेजिन्स लगे हुए थे वो था
इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से डिस्क्राइब किया थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल को। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था पूरे एटम में, कि पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है एंड उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। सो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसका फीचर था इस मॉडल का, कि थॉमसन ने क्या बताया था कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम, पूरे एटम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का इन्होंने बताया। एंड ये मॉडल उन्होंने किस बेसिस पे रखा, इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद, और उसके थ्रू इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी गैसेस में से कंडक्ट हो सकती है। सो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया था कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस के ऊपर, और इसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया। देन आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड देख के डरिए मत, इसमें बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में इसमें बताना चाहता हूँ। आपको पता है एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया था, डिस्कवरी की थी रोंटजेन ने, ठीक है। सो रोंटजेन ने जब एक्सरे की डिस्कवरी की थी, कैसे किया था इन्होंने, इन्होंने कैथोड रे को मेटल से स्ट्राइक करवाया था। तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड रे है, मेटल से स्ट्राइक होने पे एक रेडिएशन होता है, डिफरेंट टाइप का रेडिएशन हो रहा है, क्योंकि उसका नेचर उन्हें नहीं पता था, तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया उसे एक्सरे। एंड इन्होंने देखा कि एक्सरे जो है ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से, एंड इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा था। सो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रोंटजेन ने किया था। इन्होंने क्या देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कैथोड रे को अगर मेटल से स्ट्राइक करवाते हैं तो इसमें से रेडिएशन होता है, इसमें से क्या होता है रेडिएशन, और उस रे को क्या नाम दिया गया, एक्सरे नाम दिया गया। देन हेनरी बेक्वेरल, इन्होंने बताया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑन देयर ओन रेडिएशन एमिट करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई बम्बार्डिंग नहीं की जा रही है या कुछ और फिनोमिना नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, रेडिएशन अपने आप हो रहा है। सो इस फिनोमिना को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। एंड ऐसे एलिमेंट जिसमें से अपने आप रेडिएशन हो रहा है, जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज बाहर आ रही है, इस एलिमेंट को नाम दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर इस फील्ड के ऊपर मेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रुदरफोर्ड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये रुदरफोर्ड भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड रुदरफोर्ड जो है ये जे.जे. थॉमसन के स्टूडेंट रह चुके हैं। देन इन्होंने बताया कि तीन टाइप की रेज होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड रुदरफोर्ड जो है इन्होंने पाया कि अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल कैरिंग टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज क्या होती है, अल्फा रे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया, रुदरफोर्ड ने किया, और उन्होंने क्या बताया कि अल्फा रेज में हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं जिसके ऊपर टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड उसका मास कितना होता है, 4 यूनिट एटोमिक मास, इसलिए हम उसको न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस कितने हैं, +2 चार्ज है, एंड मास कितना है, 4 मास है, इसे क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, ये रुदरफोर्ड ने बताया। देन उसके बाद गामा रेज एंड बीटा पार्टिकल के बारे में भी बताया गया। सो इस स्लाइड पे आपको एक होमवर्क मिलता है, आपको इस स्लाइड के बेसिस पे अल्फा, बीटा एंड गामा इन तीनों के बीच का डिफरेंस लिखना है, आपको लास्ट पैराग्राफ में इसमें ही मिल जाएगा डिफरेंस। देन अब हम बात करते हैं रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इस एक्सपेरिमेंट में इसके बारे में आपको बताता हूँ, रुदरफोर्ड ये आप एक स्टोरी के जैसे इसे याद रखिए। जे.जे. थॉमसन ने क्या किया था, इन्होंने इनिशियली एक्सपेरिमेंट किए, देन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल रखा, उसमें बताया कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एटम में पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन कैसे है, एम्बेडेड है। सो रुदरफोर्ड ने क्या सोचा कि चलो, उन्होंने कंसीडर किया कि यार हाँ ठीक है, उनके सर का एक्सपेरिमेंट करेक्ट है, उनका मॉडल भी करेक्ट है, तो उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि रुदरफोर्ड ऑलरेडी अल्फा पार्टिकल पे काम कर चुके थे, इन्होंने क्या देखा कि पूरा जो एटम है वो यूनिफॉर्मली
उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो उन्होंने क्या सोचा कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करेंगे। सो अल्फा पार्टिकल एकदम स्मॉल एंगल से डेविएट होना चाहिए या आर पार चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम किसी मेटल की थीन शीट यहाँ पर अगर लेते हैं, थीन शीट पे क्या होना चाहिए, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाने चाहिए थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जैसे कि वैसे चले जाना था, एंड वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था पहले वो देख लेते हैं हम, कि रुदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने बम्बार्डिंग की थी थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पे बम्बार्डिंग की गई थी। अगेन अल्फा पार्टिकल लेड बॉक्स में रखा हुआ था, क्योंकि लेड बॉक्स जो है डेंस है, उससे पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते। सो देन लेड बॉक्स में यहाँ पे फाइन होल किया गया जिससे स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बाहर आए, एंड अगेन लेड प्लेट आगे रखी गई। क्यों? क्योंकि हमें फाइन स्ट्रीम मिले। देन आगे वेरी थिन गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल रखी गई जिसकी थिकनेस कितनी थी, 100 नैनोमीटर, इतनी थिन। सो वेरी थिन गोल्ड फॉइल यहाँ पे रखी गई, और उन्होंने जो रिजल्ट पाया वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थे। एंड उन्होंने क्या किया, इसके सराउंडिंग में जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी जिसपे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होने के बाद फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा, एंड जिससे वो रिजल्ट देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से टकराती है, अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से टकराते हैं तो कहाँ कहाँ पे जाके वो इंसिडेंट हो रहे हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे वो देखने के लिए। देन रिजल्ट उन्हें काफी अनएक्सपेक्टेड मिले। हम देखते हैं रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन अ फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम। इन्होंने क्या बोला कि जो मास है वो इवनली स्प्रेड होना चाहिए। अब इवनली स्प्रेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, इसीलिए उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि पार्टिकल वुड स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल एज दे पासेस थ्रू द फॉइल, एंड फॉइल में से पास हो जाना चाहिए। फॉइल में से क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, और डेविएशन कैसा हो जाना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। ये उनके एक्सपेक्टेशन थे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को करेक्ट मानते हुए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड वे में सीधे चले गए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए एंड कुछ बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, नियरली 180 डिग्री तक ये डिफ्लेक्ट हुआ। सो ऐसे रिजल्ट के बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल फॉल्स ठहरा। इसके बाद रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल डेवलप किया, देन इसे आगे रखा गया। आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये नोट्स सफिशियंट है एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। JEE, नीट, NDA सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सफिशियंट है। इसके अलावा आपको कोई और दूसरी बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से इसमें एनिमेशन जिस डालकर वीडियो बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से ये सब सारी चीज़ें समझ में आए। सो यहाँ पर रुदरफोर्ड जो है, इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या था कि पॉजिटिव चार्ज एंड जो मोस्ट ऑफ द मास है एटम का, वो कहाँ पर है, बहुत स्मॉल रीजन में होता है, एंड उस स्मॉल रीजन को इन्होंने क्या नाम दिया, उस स्मॉल रीजन को नाम दिया न्यूक्लियस। एंड क्या बताया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे सराउंडेड होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। और इस मॉडल को उन्होंने रिसेम्बलेंस दिया सोलर सिस्टम के साथ, कि सन जो है वो न्यूक्लियस का रोल प्ले कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लैनेट की तरह रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड उन्होंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों को एक साथ पकड़ के है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से इलेक्ट्रॉन स्पेस में नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, हम अभी देखते हैं उसके बारे में। जैसे कि ड्रॉबैक में, अब यहां पर रुदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब रिमेंबर,
कोई भी और बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। रिमेम्बर कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एंड अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, एक्सेलरेटेड पार्टिकल से रेडिएशन होना चाहिए। एक्सेलरेटेड पार्टिकल से हमेशा क्या होना चाहिए, रेडिएशन। तो इसने एनर्जी रेडिएट करते हुए स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस पे कोलाइड हो जाना चाहिए, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था, ये इसका ड्रॉबैक है। यहाँ पे क्या होगा मैक्सवेल के हिसाब से कि ये चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा डिफरेंट, उससे वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, क्योंकि डिफरेंट ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी डिफरेंट ऑर्बिट में। इसका जैसे जैसे एक्सेलरेशन चेंज होते जाएगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। एंड बट क्या हुआ, यहाँ पे दोनों चीजें जो है वो नहीं दिख रही थी। यहाँ पे जो एमिशन था, एमिशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, एमिशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं थी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देखी गई। एंड बट एमिशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने के बाद भी ये स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए कोलाइड नहीं हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन में ही घूम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमने देखा कि न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, एंड इसको जेड से डिनोट किया जाता है। वैसे मोसले ने इसके लिए फॉर्मूला दिया था, अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। यहाँ पे वी क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एंड जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एंड ए और बी कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूले से उन्होंने एटॉमिक नंबर बताया। न्यूमेरिकल के लिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सपोज डायरेक्टली अगर फॉर्मूला आ जाता है आपको पता होना चाहिए। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम कहेंगे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड टू डिफरेंट एलिमेंट कैन नेवर हैव द आइडेंटिकल एटोमिक नंबर। एटोमिक नंबर ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल एलिमेंट का, दो एलिमेंट का एटोमिक नंबर सेम कभी नहीं हो सकता है। देन मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, ये हम देख चुके हैं कि एटम का पूरा मास जो है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज मास नंबर। सो अगर हमें मास नंबर गिवन है, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, सो मास नंबर गिवन है, सो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं यहां से। अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट का सिंबॉल यहां पे लिखा जाता है, ऊपर में हम लिखते हैं मास नंबर एंड बेस में हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। देन कुछ टर्म्स, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम, एलिमेंट्स सॉरी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम है एंड मास नंबर डिफरेंट है। इनके मास नंबर कैसे है, डिफरेंट है। दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, रिमेंबर, जिनके मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसमें सिमिलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम है, सो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी एंड पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखे गए हैं। डिफरेंट क्या होता है इसमें, मास नंबर। और मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वैरी होता है, हेंस फिजिकल प्रॉपर्टी वैरी होती है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स एंड क्लोरीन के आइसोटोप्स हमें गिवन है। देन आइसोबार, आइसोबार मींस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मास नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। सो इसमें सिमिलैरिटी क्या रहेगी, जस्ट मास नंबर सेम रहेगा एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम रहेगा, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों का नंबर ही सेम रहेगा, बाकी सब डिफरेंट रहेगा, इनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी एंड ऑब्वियसली पोजिशन पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट रहेगी। सो यहाँ पे आइसोबार के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देन आइसोटोन्स, आइसोटोन्स मतलब ऐसे एलिमेंट
जिनके न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर कैसा होता है, सेम, उन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है। आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का सेम डिफरेंस पाया जाता है। सो इसके आइसोटोपिक नंबर सेम होते हैं। आइसोटोपिक नंबर मतलब डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दिस इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसे कहा जाता है आइसोडाइफर्स। देन नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ऐसे एलिमेंट्स, आयंस या रेडिकल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, मीन्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, जैसे एच माइनस, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हीलियम, हीलियम में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम पॉजिटिव, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब 3 प्रोटॉन है, बट 1+ चार्ज है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन बचे। सो ये हो जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देन नेक्स्ट है आइसोस्टर्स। इट मीन्स ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, उन्हें आइसोस्टर्स कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एटम है, यहाँ भी दो एटम है, और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हो उनके, सो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम आते हैं, उन्हें आइसोस्टर्स कहा जाता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, सो आप हमें गिवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो, एंड आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टोरी पे पोस्ट कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस, एंड हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। फॉर लेक्चर PDF, कॉन्टैक्ट अस ऑन एनी ऑफ गिवन नंबर्स एंड यू कैन मेल अस ऑन गिवन मेल आईडी एज वेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।